PharmaState presents Pharma Talks. Hi, welcome to PharmaState. मेरा नाम स्वाति है और आज मेरे साथ मिस्टर नरेश जंडियाल सर हैं. वेलकम सर. थैंक यू. नरेश सर का एक्सपीरियंस जो है वो 28 इयर्स का रहा है कोर सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल्स फार्मा कंपनीज में पैन इंडिया पोजीशंस पे रहे हैं और अब इनका इंक्लिनेशन ट्रेनिंग्स में है. He is giving trainings also. So, आज हम जो इंटरव्यू है उनके टॉपिक्स ट्रेनिंग पे ही रखे हुए हैं. तो नरेश सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि किसी भी इंडस्ट्री में हम देखते हैं तो ट्रेनिंग्स इम्पॉर्टेंट होती है, तो फार्मा इंडस्ट्री में ट्रेनिंग्स को अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस दिया जाता है. इसके बगैर हम फार्मा इंडस्ट्री को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं. तो ऐसा क्यों होता है फार्मा इंडस्ट्री? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि देखो फार्मा इंडस्ट्री जो है क्रिटिकल इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम बेसिकली पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को ट्रीट कर रहे हैं और उनकी बॉडी जो भी मेडिसिन जाएगी उनकी बॉडी में जाएगी और मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. और जो भी लोग फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, जो जाके अपनी ड्रग्स डॉक्टर को बताते हैं, अगर वो वेल ट्रेंड होते हैं नेचुरली वो पूरे मेडिसिन सही खा रहे हैं, तभी डॉक्टर जब डिसाइड करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के लिए तो उसे मालूम है इस ड्रग का क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है. जबकि आज के दौर में ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ कंपनीज तो ट्रेनिंग पे अच्छा महत्व देती हैं, इंपॉर्टेंस देती हैं, लेकिन ऐसी इतनी कंपनीज हैं इंडिया में जो बिना ट्रेनिंग के लोगों को डॉक्टर चैम्बर में भेज देती हैं और बिल्कुल भी उनकी कोई नॉलेज नहीं होती, जिससे क्या होता है डॉक्टर के ऊपर इतना प्रेशर होता है तो कई बार वो मेडिसिन तो लिख देते हैं पेशेंट को, लेकिन पेशेंट को जब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगी तो पेशेंट कई बार क्या करता है, वो मेडिसिन कुछ ज़्यादा भी खा लेता है, कुछ डोज ज़्यादा ले सकता है, कुछ कम ले सकता है. एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि डाइक्लोफेनाक बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिसिन है ऐसे ट्रेन करना, लेकिन आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में आजकल बहुत किडनी फेलियर के केसेस आते हैं और जब डॉक्टर्स उसको पूरा हिस्ट्री में जाते हैं तो देखते हैं उसको किसी ने बहुत पेन किलर खिलाया होता है, तो पेशेंट किडनी फेलियर के केस बन के हॉस्पिटल में आ जाता है. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, हम अपने लोगों को अच्छी तरह ट्रेनिंग दें ताकि वो जब डॉक्टर चैम्बर में डिस्कस करें तो सही प्रोडक्ट के बारे में बता पाएँ, डॉक्टर को पूरी इन्फॉर्मेशन दें, अगर उनकी नॉलेज होगी प्रोडक्ट नॉलेज की तभी वो इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे कैसे डॉक्टर डिसाइड करेगा लिखने, इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. सही कहा आपने सर. अच्छा, जब हम ग्लोबल एमएनसी फार्मा कंपनीज देखते हैं या इंडियन एमएनसीज देखते हैं तो क्या डिफरेंस आपने देखा है अपने करियर में कि कितना ट्रेनिंग का इफेक्ट ग्लोबल एमएनसीज में है और इंडियन एमएनसीज में जो हम ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को देख रहे हैं वो कितना इफेक्ट है और क्या ज़रूरत है हम लोगों को चेंजेस करने की इंडियन इंडस्ट्री में? ऐसा है कि जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो इम्पोर्टेंस जानती हैं ट्रेनिंग की, इवन जो इंडिया में ग्लोबल कंपनीज ऑपरेट करती हैं, जो इंडिया में एमएनसी कंपनीज ऑपरेट करते हैं वो भी यहाँ इंडिया में भी अपने स्टाफ को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, सेल्स स्टाफ को, मेडिकल कम्युनिटीज को, क्योंकि मैंने खुद दो तीन एमएनसी में इंडिया में काम किया है और जब हम उन कंपनीज में अपने काम किए तो हमारे को इतना ट्रेनिंग पे कंपनी ने फोकस किया और हम डॉक्टर के साथ आधा आधा घंटा घंटा चैम्बर में एक ही प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते थे, सर बात प्रोडक्ट की बता सकते हैं, मैरिज मैरिज साइड इफेक्ट्स कहाँ पर यूज़ करना कहाँ पर नहीं करना, और हम इतनी सेविंग्स डॉक्टर्स की करते थे जहाँ पर हम एक ही प्रोडक्ट के बारे में दो दो घंटे डॉक्टर से डिस्कस करते हैं. तो हमने हमेशा एमएनसी कंपनी में जो मेडिकल कम्युनिटीज होते हैं वो हमेशा साइज पर बात करते हैं जिससे डॉक्टर कन्विक्शन पर लिखता है, जबकि आज के दौर में कुछ इंडियन कंपनीज हैं कुछ मेरी चोरी जो कुछ फोकस करती हैं ट्रेनिंग पर, most of the Indian companies doesn't give importance to training. So this cost is center की तरह देखते हैं. उसको उनको लगता है कि training पे हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, cost बढ़ जाएगा हमारा, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि अगर हम training पे कुछ लगाएंगे investment करेंगे तो naturally हमारा revenue ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो team है sales team जब market में जाएगी तो उनका जो strike rate होगा ज़्यादा होगा, तो doctors को अपनी product knowledge से जल्दी convert कर पाएंगे, ना कि वो जब जाएंगे तो सिर्फ वो ट्रांजेक्शनल बिजनेस करेंगे जो कि आजकल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ट्रेनिंग पे तो ध्यान नहीं देती और उसके साथ साथ वो मेडिकल म्यूजिक चैम्बर में जाके से मेरी बात करेगा, मैं आपको ये लिखूंगा, मैं आपको वो दे दूंगा, तो डॉक्टर को इसलिए उलझाए रहते हैं. तो ट्रेनिंग का बेसिकली बहुत बड़ा एक गैप एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में. बिग गैप, देयर इज अ बिग गैप इन इंडियन कंपनीज इन ट्रेनिंग. तो सर आप मतलब किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रेनिंग? अभी इस सब को देखते हुए मैंने अपने जो इतने सालों में 2.5 सालों में सीखा है इस इंडस्ट्री में फार्मा इंडस्ट्री में ग्लोबली और
इंडिया पूरा मैंने खास जियोग्राफी से काम किया है और मेरे ऊपर काफ़ी कंपनीज ने ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट किया है और मैंने भी ट्रेनिंग में काफ़ी योगदान दिया है। तो अब मैंने सोचा कि मैं कुछ क्यों ना इसी तरीके वापस कर सकूँ, तो मैंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जिसमें कोई भी मेडिकल स्टडी बनना चाहता है या सिविल सेक्रेटरी बनना चाहता है तो उनको मैं पहले तैयार करता हूँ, सिर्फ 7 या 10 दिन में उनका ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करता हूँ जिसमें उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेलिंग स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स पर मैं काम करता हूँ ताकि वो जब आप वो कंपनी के पास जाएँ इंटरव्यू करें तो कंपनी को लगे बिल्कुल तैयार होती है मेडिकल स्टडी बनाना, तो वो उस पर कुछ और थोड़ा सा शेपअप कर लें उसको ताकि उनका भी बिजनेस मार्केट में ज़्यादा आएगा ऐसे और उनको भी लगेगा हाँ ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं इसमें आया हूँ ताकि ट्रेनिंग पे जो मेरा योगदान दिया जाए। तो कहाँ है सर आपका ये सेंटर? मैंने अभी तो सिर्फ चंडीगढ़ में स्टार्ट किए हैं लेकिन आने वाले टाइम में हम ऑनलाइन पे भी फोकस करेंगे कि डिजिटल में भी फोकस करेंगे ताकि कहीं भी कोई है इंडिया की किसी कोने में भी उसको हम ऑनलाइन मेंबरशिप प्रोवाइड कर सके और ट्रेनिंग हम से ले सके और उसको हम सर्टिफाइड करते हैं। बेसिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई बनना चाह रहा है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रहे हैं उसके बाद वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो सर इससे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपने ट्रेनिंग्स की हैं, करवाई हैं, ली भी होंगी, तो एक अनट्रेन प्रोफेशनल और एक ट्रेन प्रोफेशनल की प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंस देखते हैं, आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है? तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब आपने भी स्टडी किया हुआ है। जो एक ट्रेन इम्प्लाई होता है जब वो डॉक्टर चैम्बर में जाता है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, नेचुरली उसकी प्रोडक्ट नॉलेज है तो कस्टमर को भी अच्छी तरीके फेस करेगा, एक लेवल पे आ जाता है डॉक्टर, जैसे डॉक्टर की लेवल है उस प्रोडक्ट में उसकी लेवल ज़्यादा हो जाती है, डॉक्टर कोई भी क्वेश्चन करेगा तो नेचुरली वो आंसर कर देगा। लेकिन अगर अनट्रेन होगा तो सबसे पहले तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो डॉक्टर से भी हिचकिचा के बात करेगा और डॉक्टर भी उसको सीरियसली नहीं लेते क्योंकि ये तो प्रोफेशनल आपने कुछ देखा होगा, जब कभी आप हॉस्पिटल से बाहर खड़े हो तो कुछ डॉक्टर के बाहर एम आर वेट करने होते हैं, तो आज की डेट में डॉक्टर सभी एम आर को नहीं मिलते, वो देखते हैं कौन से उसमें से सही एम आर जो मीनिंग कुछ बात करेंगे अंदर अपने कैमरे से पहले देख लेते हैं, दो या तीन को बुला लेते हैं बाकी को कहते हैं नहीं, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज की डेट में कंपनी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। तो ट्रेनिंग में ओवरऑल आप स्टैंडर्ड बढ़ाते हो, ट्रांजैक्शन मार्केटिंग के मॉडल से ज्यादा वो कन्विक्शन में बिलीव करवाना ही आई थिंक ट्रेनिंग का बेसिक फार्मास्यूटिकल यही होना चाहिए क्योंकि ये मेडिसिन है, ये कोई ऐसी कमोडिटी तो है नहीं, ये मेडिसिन है और मेडिसिन कन्विक्शन पे ही लिखी जानी चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए कि हां भाई डॉक्टर को कॉन्फिडेंस है आपके, एक अगर एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ तो जब तक रिप्रेजेंटेटिव उसको अच्छी तरह डिस्कस नहीं करेगा, प्रेजेंट नहीं करेगा तो डॉक्टर कैसे पता चलेगा उसके बारे में, और अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो कैसे वो बिना ट्रेनिंग के कोई प्रेजेंट नहीं कर पाएगा ट्रेनिंग का प्रोग्रेस, इसलिए ट्रेनिंग का तभी इतना इम्पोर्टेंस है और जिस पे हमारे यहाँ इंडिया में ध्यान नहीं दिया जा रहा और इसको एक कॉस्ट देखा जा रहा है, जबकि ये रेकरिंग है, अगर आपने एक बार अपने इंटरेस्ट पर कुछ ट्रेनिंग को इन्वेस्टमेंट किया तो नेचुरली आपका आर ओ आई ज़्यादा आएगा, आपका बिजनेस ज़्यादा आएगा क्योंकि वही रिप्रेजेंटेटिव जाके मार्केट में मोर शार्पर एज मिलेगा और कन्वर्ट कर देगा, इसलिए मैं ट्रेनिंग को करूँगा। सो इस इंटरव्यू में हम नरेश सर से जो मैं एक कंसाइज वे में कहूँ तो ये अच्छा पॉइंट रखा नरेश सर ने कि ट्रेनिंग्स को कॉस्ट सेंटर की तरह देखने की जगह कंपनीज को छोटी बड़ी जितनी कंपनीज हैं उन्हें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए, एक रेवेन्यू सेंटर क्रिएट हो जाएगा वो लेटर, और काफ़ी अच्छी इनपुट्स दिए नरेश सर आपने, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद फार्मास्टेट सर।